नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपीटीटी 2021 की एग्जाम दोबारा कब होगी, यूपीटीटी 2021 की नई एग्जाम डेट क्या है, इसको लेकर अभी अभी की ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आई है, जो कि अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर दे। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूपीटीटी 2021 बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव बोली, परीक्षा की नई तिथि और विभागीय जांच पर मंगलवार तक होगा फैसला। यानी कि यहां पर बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव ने यहां पर बयान दे दिया है, बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया है कि कल तक मंगलवार तक यूपीटीटी 2021 की जो दोबारा एग्जाम होने वाला है उसकी डेट आपके सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यूपीटीटी 2021 का री एग्जाम कब होगा। तो यहां पर छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद यूपी सरकार सख्त रवैया अपना रही है। मामले में अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की ओर से करीब 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। परीक्षा को पहले ही रद्द कर दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है राज्य का और गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने के निर्देश भी दे चुके हैं। जानकारी में सामने आया है कि पेपर परीक्षा केंद्र से लीक नहीं हुआ था, यानी कि यूपीटीटी 2021 पेपर वायरल प्रकरण को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि पेपर परीक्षा केंद्र से परीक्षा सेंटर से लीक नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले ही पेपर लीक हो गया था। और दोस्तों जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि टीटी कोषागार से ही पेपर लीक हो चुका था, पेपर वायरल हो चुका था और शनिवार शाम को जो है अभ्यर्थियों के हाथ में पेपर आ चुका था। और यहां पर जो मुन्ना भाई है उन्होंने पेपर बांट दिया था शनिवार शाम को यूपीटीटी 2021 का। यानी कि जो बातें सामने आ रही थी कि यूपीटीटी 2021 का पेपर सुबह वायरल हुआ है, वो बातें झूठी निकली, क्योंकि दोस्तों शनिवार शाम को यूपीटीटी 2021 का पेपर वायरल हो गया था और व्हाट्सएप ग्रुप पर आ चुका था। हालांकि दोस्तों एसटीएफ टीम को सुबह पता चला कि यूपीटीटी 2021 का पेपर आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है। और इसके बाद योगी सरकार ने यूपीटीटी की परीक्षा को स्थगित किया, रद्द किया और कैंसिल करने के साथ ही कह दिया कि यहां पर यूपीटीटी 2021 का एग्जाम दोबारा से होगा, री एग्जाम होगा। दोस्तों री एग्जाम कब होगा ये कल तक पता चल जाएगा। यहां पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने। अनामिका सिंह ने कहा है कि जो यहां पर यूपीटीटी 2021 की नई एग्जाम डेट है वह यहां पर आप सभी के सामने कल तक आ जाएगी। तो यूपीटीटी 2021 को लेकर अनामिका सिंह ने बताया है कि अभी टीटी की नई तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि नई तिथि और विभागीय जांच पर निर्णय मंगलवार तक किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने भी परीक्षा को एक माह के भीतर दोबारा और पूर्ण पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का निर्देश दे दिया है सभी अधिकारियों को और सभी विभागों को। इसके अलावा दोस्तों यूपीटीटी और सीटेट परीक्षा का जो डेट है उसका क्लैश हो चुका है, दोनों ही परीक्षाओं की डेट आपस में भिड़ सकती है, इसको लेकर भी खबर निकल के सामने आई है। जहां पर दोस्तों यूपीटीटी 2021 का जो एग्जाम है वह योगी सरकार के लिए कि एक महीने के भीतर होगा और दोस्तों यह बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2021 को होगा। फिलहाल यह तारीख कंफर्म नहीं है लेकिन संभावित भी है। और दोस्तों सीटेट 2021 के जो पेपर है वह 16 दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में यूपीटीटी और सीटेट 2021 के पेपर आपस में टकरा भी सकते हैं, इसको लेकर भी खबरें निकल के सामने आई है। वहीं दोस्तों इसी बीच यूपी के बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर भी निकल के सामने आई है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती 2021 को लेकर अच्छी खबर आई है कि कांस्टेबल के 29,000 पद खाली और इसमें जो है जल्द भर्ती शुरू की जाएगी।
कि योगी सरकार की ओर से जल्दी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से जो है 29,000 में से 25,000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी जल्दी और इसकी विज्ञप्ति जल्दी आपके सामने होगी। इसको लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आई है। इसके अलावा इस भर्ती का जो विज्ञापन है, जो विज्ञप्ति है, वह दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस प्रकार ये यूपी टीटी 2021 और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आई थी। तो यदि आपको ये खबरें अच्छी लगी है और जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे और इस वीडियो को शेयर करना मत भूले। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।